अच्छा ऑन है, सॉरी। सो दिस इज वॉय करण माथुर इज बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइस हम लोग फाइनली जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। मेरे साथ है फाइनली दोबारा से योगेश भैया, केदारनाथ वाले ब्लॉग का बेल आइकन में, बेल आइकन बोलते हो पर बोलते क्या, आई बटन, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो गाइस इस समय बेसिकली मैं उस रोड में हूँ जहाँ ना चुड़ैल पीछे भागती थी, और वैसे तो चुड़ैल भाग नहीं रही है, कहीं मुझे दिख भी नहीं रही है। दिख रही है अभी? नहीं, अभी नहीं दिख रही कोई, अभी हमें नहीं दिख रही। और अभी हम दिल्ली में कहीं हैं, पता नहीं कहाँ है, और हम यहाँ से निकल रहे हैं मथुरा वृंदावन। और अभी चुड़ैल कम, डॉग ज़्यादा भौंक रहे हैं, हमें लोग हमें मारेंगे और इसकी मम्मी की जय हो। तो अब चलते हैं मथुरा वृंदावन की जर्नी हम शुरू करते हैं अपनी। तो भैया चले, बस तो गई दो यार। हाँ, और भैया की कार है देखो कितनी सेक्सी, कौन सी है भैया, बड़ा अच्छी स्पेस है यार बनानों का। तो चलो यार चलते हैं, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं। हाँ वेख दी सा मेरे बनने होंगे। तू आके देख ले वो मैंने रातें कितनी उजाड़ी, क्या होता है बिताई सॉरी यार। तो देखो गाइस चेहरे की बजी हुई है बहुत ज्यादा बैंड, और थक चुके हैं बहुत ज्यादा, पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, कि भाई आराम नहीं करना, वीडियो बनानी है, क्यों भैया? बिल्कुल भाई है। और हम लोग तुम्हें लेके चल रहे हैं गोवर्धन, और गोवर्धन यहाँ से है कितने किलोमीटर है, 22 किलोमीटर दूर है हम जहाँ रुके हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को गोवर्धन गुरु घुमाऊंगा, और हो सकता है रात में किसी वॉन्टेड जगह चलेंगे, सर्च करेंगे नेट पे, मजा करेंगे। चलोगे ना भैया? वृंदावन आपका पक्का है, वृंदावन दिखाएंगे आपको, वाकई व्यास जी का मंदिर दिखाएंगे, अगर टाइम मिला तो आपको निधिवन भी दिखा सकते हैं। बस हो गया, बस हो गया। तो अब आगे चलते हैं यार। अच्छा गोवर्धन पर्वत की दो कहानी है। तो गाइस अभी हम फाइनली गोवर्धन पर्वत पहुंचने वाले हैं अराउंड 6 मिनट्स में, और गाड़ी बाहर रुकती है 500 मीटर पहले ही, है ना? तो हम बाहर रोकेंगे गाड़ी। तो क्या मान्यता है इसकी भैया? पहला तो इंद्रदेव का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था कृष्ण जी ने। हाँ। और दूसरी है हनुमान जी जब सेतु बांध रहे थे, हाँ, तो गोवर्धन पर्वत को लेके गए थे, हाँ, सेतु के लिए, निर्माण के लिए। अच्छा। हाँ तो निर्माण पूरा हो गया था, तो हनुमान जी ने सेतु को, क्या नाम है, गोवर्धन पर्वत को मथुरा में ही छोड़ दिया था। तो मथुरा पे जब छोड़ा तो उनको वरदान दिया कि तुम्हें कृष्ण मतलब श्री राम जी के द्वारा ही उठाया जाएगा। तो इस रूप में इन्होंने फिर उठाया था, कृष्ण जी वाले रूप में उठाया था। ओके, मतलब पहले राम जी आए थे फिर कृष्ण जी आए। ओके, तो आप लोगों ने भी इसकी कहानी अच्छे से जान ली है। अब मैं गाड़ी रोकते हैं हम लोग, फिर पैदल चलते हैं, फिर ब्लॉग बनाते हैं। तो गाइस बेसिकली यहाँ से एंट्री, और यहाँ से हमें पैदल चलना शुरू करना है, और ये बस वस जाती है, बट आप लोग भी अगर ओल्ड सिटीजन हो तो बस से पूरी उसकी परिक्रमा कर सकते हो अराउंड 150-200 रुपये चार्ज लेकर, पर हम लोग तो यंग है। हाँ होती है, ये बस स्टैंड है। अच्छा ये बस स्टैंड है, नहीं होती। अरे ऑटो वाले करवा दे, तो ऑटो वाले करवा देते, 10-20 रुपए थे, 150 रुपए मांग रहा था भाई। ऑटो वाला लेगा कल सवारी कम से कम 50-60 रुपए। हाँ बहुत महंगा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी मैं दिखाता हूँ आपको गोवर्धन, मुझे यहाँ से तो दिख रहा है पर वो बहुत दूर है, पहले मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पर। तो गाइस वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, आई मीन मंदिर दिख रहा है, वो ही गोवर्धन है। उसके नीचे बेसिकली है भैया, नीचे है हम। हाँ। इस समय हम गोवर्धन के ऊपर चढ़ रहे हैं। हाँ। है? तो देखो तुम्हें ऐसा स्लांट दिख रहा होगा, इस समय हम गोवर्धन के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो यही उठाया था भगवान ने, और अब हम लोगों ने इसके ऊपर रोड बना दिया। और क्या, बेसिकली बड़ी क्या है, बड़ी परिक्रमा 6 किलोमीटर की है। नहीं भाई यही तो लिखा है, तो जी भाई 12 किलोमीटर। तो मतलब ये पूरा गोवर्धन का राउंड हो जाता है, ये हाफ राउंड होता है, ये हाफ राउंड होता है, हाफ राउंड आगे से लगता है, हाफ राउंड आगे से लगता है। और यही है ना। तो गाइस ये जो वीडियो क्लिप्स आप देख रहे हो ये मंदिर के अंदर की है, जो गोवर्धन मंदिर है, जैसा कि हमने दिखाया था आपको पैदल चल के आना पड़ेगा,
कम से कम 1 किलोमीटर या 500 मीटर आपको पैदल चलना है। आप गाड़ी थोड़ी पास खड़ी करो तो आपको कम पैदल चलना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है, जब ज़्यादा भीड़ होती है ना तो आपको ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि एक एक दो दो किलोमीटर तक गाड़ी पीछे रहती है। तो ये अंदर का पूरा मंदिर का शॉट्स हैं, इसमें मैंने बोला नहीं क्योंकि मैं मंदिर के अंदर था। ये नया मंदिर है जो आप अभी सामने देख रहे हो मेरे, मतलब थोड़ा टाइम हो गया इसको बने हुए। वैसे ये आगे जो आप देख रहे हो ये नया मंदिर है। तो गाइस एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरी शूटिंग पंडित जी से परमिशन लेने के बाद हो रही है, कोई इनलीगल तरीके से मैं यहाँ शूट नहीं कर रहा हूँ। उनसे मैंने बोला था तो उन्होंने बोला हाँ आप शूट कर सकते हो, पर लोगों को दिखाना मत आप शूट कर रहे हो, नहीं तो सारे लोग यहाँ अंदर आके वीडियोस बनाएंगे। तो मैंने बोला था ठीक है, तो मैं थोड़ा कैमरा छुपा के शूट कर रहा था। ये सबसे पुरानी मूर्ति है भगवान की, राधा कृष्ण जी की, ये सबसे पुरानी मूर्ति है जो मतलब पहले यहाँ थी। ये मतलब ये फर्स्ट मूर्ति है जो सबसे पुरानी है यहाँ पे। जो अंदर गोवर्धन है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो तो गाइस बस इतने ही, जो गोवर्धन जी है बोला जाता है उसमें कृष्ण जी है, तो बस ये इतने ही बच्चे हैं। कलयुग आते आते ये छोटे हो गए, पहले कम से कम 12-13 किलोमीटर बड़े थे। गोवर्धन जो आपने पीछे देखा, गोवर्धन पहाड़ जो, तो ये कलयुग बेसिकली ये पहाड़ बहुत बड़ा हुआ करता था, और वक्त के साथ जो कलयुग आया अब, और ये मतलब छोटा हो गया, मतलब ये छोटा होता चला गया, साल भर साल ये छोटा हो रहा है। और जब कृष्ण जी ने उठाया था तो कितने लोग आ गए थे इसके नीचे, मतलब पूरा एक गांव, पूरा गांव, मतलब बहुत 500-600 लोग आ गए थे। और हाँ इमेजिन करो, और अब देखो एक ऐसा छोटा सा हो गया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी जब मैं यहाँ जाऊँगा तो ये बहुत बड़ा होगा और मतलब ह्यूज होगा जो देखने के लिए मुझे मिलेगा, पर एक कलयुग की वजह से हम जैसे गंदे लोग की वजह से छोटा हो गया। क्यों भैया गंदा बनाते हैं? आई मीन हम जैसे अच्छे लोगों की वजह से, तो हम तो अच्छे हैं, बाकी अब पाप बढ़ गया है ना तो छोटा हो गया। तो बेसिकली अभी वो जमीन के अंदर हो गया, लोग तोड़ के ले गए हैं उसे, ऐसा ही है एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते क्या हुआ है, पर वो छोटा हो गया। वो रहा इतना ही है बस, जितना आपने वीडियो में देखा, और बड़ी मुश्किल से शूट किया है वीडियो को। तो ठीक है, अभी आगे भी ब्लॉग्स बाकी हैं, तो बाय अभी के लिए। अभी मैं कुछ खाने जा रहा हूँ यार, भैया भूख लग रही है, भूखा मारो। चलो चलो।